नमस्कार, आयन 7 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजराते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। मऊरानीपुर में करोटा चौराहे स्थित किराना की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते रात्रि के समय आग लग गई। इसकी सूचना पड़ोसी द्वारा दुकानदार को सुबह दी गई। मौके पर पहुंचे दुकानदार और पड़ोसी आग बुझाने में जुट गए तथा सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में दुकानदार का लाखों का सामान जलते खाक हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम बड़ा गांव में हाल कुशवाहा कॉलोनी निवासी अरुण कुमार गुप्ता पुत्र गजेंद्र की किराना की दुकान करोटा चौराहे पर है, जिसे वे सोमवार की शाम बंद करके घर चला गया। सुबह 6 बजे सूचना पड़ोसियों द्वारा मिली कि उसकी दुकान में आग लगी हुई है, जिसकी सूचना पर आनन-फानन में दुकान पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग बुझ पाती तब तक दुकान का सारा सामान जल के खाक हो गया था। उक्त आग की लपेट में दुकानदार ने बताया कि लगभग 4 लाख का सामान जल कर खाक हो गया। IN7 न्यूज के लिए मऊरानीपुर से देवेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अरुण कुमार गुप्ता, ये बताइए क्या घटना हुई आपकी? आग लग गई दुकान में सर। आग लग गई, कितने बजे, कैसे लगी आग? आग का सर पता नहीं कैसे लग गई, लाइट वाइट कुछ है नहीं हमारी दुकान में, फिर भी जाने कैसे लग गई। कितने बजे लगी थी? रात में लगी होगी, पता नहीं रात में कितने बजे लगी। सुबह हुई मॉर्निंग में 6 बजे। इस आग में लगभग कितना नुकसान हुआ है आपको? 3-4 लाख रुपए के लगभग का नुकसान हुआ। 3-4 लाख का नुकसान हुआ। काहे की दुकान थी आप? किराने की दुकान थी। इतना जी सूचना फायर ब्रिगेड से दी थी? दी। मौके पे आई थी? हाँ आई, 5 मिनट में आई। कितने बजे आ गई? 5 मिनट में आ गई। मकान मालिक ने सूचना दी दुकान की आग लगी तो वो आई। अभी समथिंग कितना